पंजाब पुलिस की भर्ती को लेकर उस समय माहौल गर्मा गया। युवक और युवतियों मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निवास के बाहर धरना देने के लिए पहुंचे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के साथ चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन ने रोका और काफी घंटे बीत जाने के बाद मुख्यमंत्री के ओएसडी 5 युवाओं के डेलीगेशन को मिलने के लिए तैयार हुए। इसको लेकर हमारे पंजाब ब्यूरो चीफ ने लोगों से खास बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। समय पंजाब के अधिकांश युवा यहाँ पर धरने के रूप में इकट्ठे हुए हैं, बिल्कुल मुख्यमंत्री पंजाब के निवास के घर के बाहर। एक ही मांग है, आज से एक महीना पहले भी जब सरकार बनी थी तो ये युवा और युवतियां इकट्ठे हुए थे, क्योंकि ये वो यूथ है जिनकी रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट सभी क्लियर हो चुके हैं, लेकिन अभी इनकी भर्ती नहीं हुई है पंजाब पुलिस में। और यही मांग लेकर के बार बार ये सरकार को सचेत कर रहे हैं, ये सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर युवा मौजूद हैं और खास तौर पर युवतियां भी यहाँ एक साथ मिल करके आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री पंजाब को जगाया जा सके। इनकी एक ही मांग है कि हमारी आखिरकार लिस्ट में नाम क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं भर्ती हो रही। आप ये देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर युवा जो है यहाँ मुख्यमंत्री के निवास के बाहर खड़े। एक बार फिर जो युवा और युवक और युवतियां हैं पंजाब के यहाँ एक बार फिर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले भी आप लोग आए थे और 4358 जो लड़के लड़कियां हैं सबके टेस्ट क्लियर हो चुके हैं, तो अभी तक सरकार ने क्या उसके ऊपर कदम उठाया? सर अभी तक हमें लॉलीपॉप ही मिला है, चार बार आ चुके हैं हम यहाँ पे और हमें चारों बार लॉलीपॉप दिया गया है ढंग से। नहीं, पहले जब आप आए पहले तीन बार तो कोई सरकार का नुमाइंदा आपसे मिला आकर के, किसी ने बात की? हाँ, पहले यही आश्वासन दिलवाया गया हमें कि आगे प्रोसेस चलेगा। उसके बाद में चौथी बार जब हम आए हैं पिछली 2 तारीख को, तो इनके ऑफिसर साहबान आए थे और बोले कि 3 दिन बाद आपका प्रोसेस चल रहा है, 3 दिन बाद आपकी लिस्ट आउट हो जाएगी। जो रिवाइज लिस्ट थी, जो दोबारा इन्होंने 150 की पता नहीं समथिंग इन्होंने भर्ती की थी, तो उसमें से 35 के पता नहीं कितने रखने थे, तो बोला कि हम रिवाइज लिस्ट निकालेंगे। तो इनके अधिकारी आए थे और उन्होंने बताया कि हम निकालेंगे। उसके बाद में बोले कि आप 3 दिन बाद देख लेना साइट पे, तो कुछ नहीं आया। हम देख रहे थे कि लड़कियों के अंदर भी उतना ही कॉन्फिडेंस, उतना ही आत्मविश्वास नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं एक बात मौजूदा सरकार करी है कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे। 4358 आप सभी लोग यहां पर मौजूद हो, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लड़कियों को लेकर के भी बार बार बयान तो सरकार ये करती है कि हम महिला सशक्तिकरण की बात। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप, अपने अपना भगवंत मान सीएम साहब यही बात बोलते हैं, अभी हम लड़कियों या किसी को भी रोडों पे आने नहीं देंगे, किसी को धरना नहीं लगाने देंगे। आपके सामने ही है सर क्या हो रहा है, हम भी मजबूर होके आए हैं सर। पहले प्रशासन ने, हम 3-4 बार पहले आ चुके हैं, हमारे को बोला बीजे रिवाइज लिस्टें आ जाएंगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, 2-3 दिन की वेट कर लो। हम चले जा रहे हैं सर, लेकिन आज तो हम ये मन बना के आए, जब तक सर हमारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं देते सर हम तब तक जाएंगे नहीं सर हम। अब आप ये देख सकते हैं कि बहुत सी लड़कियां जो हैं वो भी यहां पर बैठी हैं इसी इंतजार में कि शायद कोई लिस्ट जो है वो जारी हो जाए और लिस्ट में नाम आ जाए। मैडम कितने समय से बैठे हुए हैं और कितनी बार आ चुके? देखो सर असी आ तो बहुत बारी आ चुके हैं, लगभग अनलिमिटेड टाइम ही हो गया सानू गेड़े मार दिया नू। कदे डिपार्टमेंट 2 दिन का कह देंदा, कदे 3 दिन का कह देंदा, पर हुण साडी भी असी भी किन्ना क टाइम इंतजार करिए, असी भी इंसान आ, साडे तो हुण होर इंतजार नहीं हो रहा। लगभग असी 4 महीने का इंतजार कर चुके हैं पर हुण साडी भी बस हो गई, हुण साडे तो इंतजार नहीं हो रहा। सानू बस सरकार पूरा लारे ना लावे, बस जो सीधा स्पष्ट दस दे। नहीं, कुछ ये भी कह रहे हैं कि किसी की ओवर 40% जो लड़के लड़कियां उनकी एज ओवर हो सकती है। दूसरी तरफ आपको नहीं लगता 10,000 नई नौकरियां पुलिस भर्ती में निकाल दी, मौजूदा जो जिन्होंने टेस्ट क्लियर करे उनको ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए पहले? देखो सर नवी इन्होंने कड तो दिती, पर जो असी पुराने असी फिजिकल भी क्लीयर किया, असी रिटन टेस्ट भी क्लीयर किया, साडा की मान साहब कह देंगे ना भी असी किसी के चुल्हे की अग असी बुझन नहीं देंगे, पर साडे चुल्हों की अग का क्यों नहीं सोच रहे हो, साडे बारी भी सोचन। अब आप ये देख सकते हैं कि चूल्हे की आग जो है, चूल्हे की आग कह रहे हैं कि बुझने नहीं देते, ये भगवंत मान का कहना है पंजाब के लोगों को, लेकिन इन लड़कियों का कहना है कि हमारे चूल्हे की आग जो जल नहीं रही उसकी कौन खैर ख्वाह लेगा। बहरहाल अब आप ये देखिए, पंजाब में सरकार बनी यूं तो कहा जाता है 50 दिन हुए हैं और 50 दिन की कहीं ना कहीं जश्न भी मनाए जाते हैं कहीं विधानसभा में, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत भी नजर आ रही है पंजाब में। पंजाब में वैसे ही धरने लग रहे हैं और ये युवक युवतियां जो 4358 है
जिन्होंने हर टेस्ट, हर फिजिकल, हर टेस्ट को क्लियर करके यहाँ पर अपनी केवल इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी ज्वाइनिंग होगी। और सरकार का कोई नुमाइंदा, ना तो कोई मंत्री, ना कोई अधिकारी अभी तक इनको मिलने के लिए आया। और इस बार ये प्रण करके आए हैं, जब तक लिस्ट में नाम जो है वो पक्का नहीं हो जाता, जब तक इनकी ज्वाइनिंग की तारीख मुकल्लिफ नहीं कर दी जाती, तब तक वो यहीं बैठे रहेंगे। बहरहाल हमारी नजर बनी हुई, आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण, चंडीगढ़ से। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਹਲਚਲ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ।